हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल काव्यांश पांडे में। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बिकॉज मेरी फैमिली को तो वाइल्ड फीवर हो रखा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखो एंड बाहर की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करो, बाहर मास्क लगा के निकलो, मैं यही कहना चाहूँ। और गाइस, मैं पूछना चाहूँगी मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा था, बिकॉज गाइस मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे वीडियो मतलब क्या कहूँ क्या बनाऊँ, आई हैव नो आइडिया। बिकॉज गाइस फर्स्ट वीडियो में थोड़ा स्केर्ड भी थी अंदर से, मतलब थोड़ी सी डरने वाली फीलिंग भी आ रही थी, होता है ना। और गाइस मुझे मैं वैसे तो वीडियो बनाती शॉर्ट वीडियो बनाती थी, शॉर्ट वीडियो में मुझे इतना कुछ नहीं क्योंकि उसमें सॉन्ग्स अपलोड करके डालना पड़ता था, पर इसमें खुद की वॉइस मैं फर्स्ट टाइम अपलोड की थी। सो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो यही वॉइस काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगी, आप लोग का साथ रहा तो। गाइस फर्स्ट वीडियो में आपने जाना कि हमारी शादी कैसे और कहाँ किस कंडीशन हुई, और अब मैं बताना चाहूँगी कि मैं हम लोग शादी के बाद कहाँ गए, कैसे मतलब क्या क्या किए। गाइस मैं बताना चाहूँगी, हम लोग शादी के बाद घूमने गए थे कुल्लू मनाली, और वहाँ हमने काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की। मुझे मतलब मैंने ऐसा कभी ड्रीम भी नहीं देखा था कि मैं ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ करूँगी, वो भी बिना डरे और फैमिली के बिना, मतलब क्योंकि कभी फैमिली से दूर रही नहीं ना। शादी के बाद तो वाकई सब लोग मतलब कि एक नई फैमिली मिलती है, और कहते नहीं है मम्मी छोड़ा तो मतलब सास पाई, ससुर छोड़ा तो मतलब सॉरी पापा छोड़ा तो ससुर पाया। सो गाइस मेरे लिए भी एक नया सफ़र रहा, एंड गाइस बताना चाहूँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है। मुझे एक बहू वाली फीलिंग कभी नहीं आई क्योंकि मुझे एक बेटी के जैसे ट्रीट किया गया मेरे ससुराल में, और मेरी सास ने मुझे आते ही मतलब हर एक चीज़ पहनने के लिए परमिशन दे दी, और मुझे मतलब बिल्कुल फीलिंग नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार दुलार सब कुछ अपने ससुराल से मिला। और मेरी मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है गाइस, मैं बता मतलब जितना भी उनकी तारीफ करूँ कम है। शादी के बाद गई जो रस्में होती है वो सारी रस्में मतलब निभाई गई, और रस्मों में मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई और नहीं भी हुई, बिकॉज गाइस मतलब फर्स्ट आए लड़कियों को पता नहीं होता कि मतलब उनके ससुराल में क्या रूल्स हैं और कौन सी रस्म वहाँ पे होती है, क्योंकि जो गाइस आपके मायके में जो रस्म होती रहती है ऐसा नहीं होता कि वही रस्म आपके ससुराल में भी हो।